सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिवर्सल होम थिएटर को रिपेयर करेंगे जो कि इसमें पावर सप्लाई देने पे काम नहीं कर रहा है। एक दिन मैं इस होम थिएटर बोर्ड को खोल करके देखा था, यह 5.1 होम थिएटर बोर्ड है। इसके साइड में 5 और ट्विटर स्पीकर्स लगते हैं। तो इसमें यहाँ पे मैं खोल के देखा था तो इसमें बहुत सारे वायर्स को चूहे ने काट दिया हुआ है। और इसका नज़ारा अगर आप देखेंगे तो दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को। इसके स्क्रूज में खोल लेता हूँ और इसके वीडियोस में पार्ट वाइज में बनाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो जिस कारण से मैं अलग अलग पार्ट में बताऊंगा। इसके रिपेयर A to Z जितने भी वायर्स थे वो सारे के सारे चूहे ने काट डाला है। तो ये दो ही स्क्रूज में लगा के रखा था और उस दिन मैं रिपेयर नहीं कर पाया था, कुछ काम था मुझे, तो ये इस तरह से निकल गया। और आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसके बोर्ड ट्रांसफार्मर को देख सकते हो किस तरह से चूहे ने काटा है इसके वायर्स को। और इसके आउटपुट वायर्स को देखिए और इसके जो एम्पलीफायर बोर्ड है उसको भी देखिए, कुछ इस तरह से चूहे ने काटा है। और इसके अंदर अगर देखा जाए सो देखो चूहे ने किस तरह से सारे के सारे वायर्स को काट डाला है। और इसके जो टुकड़े वायर्स को मैंने बाहर निकाल करके रख दिया हुआ था, देखो कुछ इस तरह से चूहे ने काट करके पूरा रद्दी रद्दी कर दिया हुआ है। तो इसको हम इस वीडियो में स्टेप वाइज रिपेयर करना सीखेंगे और इसी ट्रांसफार्मर से और जितने भी सारे सामान थे सारे के सारे सामान को यूज करके, जो कि सामान तो हमारा कोई भी खराब नहीं है, मैंने उस दिन भी चेक किया और आप लोगों को भी चेक करने बताऊंगा कैसे आप लोग चेक करके ऐसे ही सामान को बना सकते हो। पुराने ही जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर वगैरह वो सारे चेक करके आप बना सकते हो खुद से। तो इस वीडियो में देखिए ये 3 IC है, यह 2030 का नहीं है जो कि मैंने TDA 2030 का एम्पलीफायर बोर्ड रिपेयर करने बताया था, वायरिंग करने बताया था। तो इसमें 2030 का नहीं है, इसमें 2050 है, बट कोई बात नहीं, इसको भी वायरिंग हम लोग करना सीख लेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इसके ट्रांसफार्मर को चेक करना सीखेंगे और इसमें जो इनपुट वायर आया हुआ था कुछ ये वायर है और इसका वायर यहाँ पे निकला हुआ है और ये वायर स्विच में कनेक्ट किया जाता है, एक को सीरीज में, उसके बाद ट्रांसफार्मर में इनपुट जाएगा और यहाँ से आउटपुट हमारा आएगा। इसमें से इनपुट और आउटपुट कुछ भी पता नहीं चल रहा है कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 3 वायर्स निकले हुए हैं। पहले देख सकते हो एक येलो है और दोनों ब्लू है और इसको इस तरह से काटा है जो कि पता भी नहीं चलता। और इस साइड से 2 वायर ये हैं और ये 2 वायर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा गेस करने का कोशिश करेंगे कि ये जो 3 वायर्स है ट्रांसफार्मर का इनपुट इसमें किस में गया हुआ है। तो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल जा रहा है कि इसमें लगा हुआ था ये 3 वायर यहाँ पे मैच कर रहा है जो कि यह ट्रांसफार्मर का इसी में इनपुट जाता है। इसका मतलब कि ट्रांसफार्मर का आउटपुट यही 3 वायर्स हो सकता है। लेकिन अगर आप में यह नहीं लगाया हुआ था, सोलर किया हुआ था और अगर उखड़ गया है तो उसके लिए अब हम इसमें क्या करेंगे, कैसे जानेंगे ट्रांसफार्मर को चेक करके इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। तो गाइस सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कोई सा भी रेजिस्टेंस में हमें मान लीजिए 200 ओम में मैंने इसको सेट किया मल्टीमीटर को और हम इसके रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो देखिए अगर हाँ अब तो दिख रहा होगा, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हमें तो चेक करना है कंटिन्यूटी कि ट्रांसफार्मर हमारा खराब है या फिर नहीं है, क्योंकि खराब अगर होगा तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो देखिए इस हमें चेक करना है यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे हमें चेक करना है। तो कुछ इस तरह से देखिए ये 12012 का हो जाएगा, देखिए मतलब कि कंटिन्यूटी चेक करने पर यह हमारा ट्रांसफार्मर सही है। तो एक यहाँ से यहाँ तक सही है, इसके वाइंडिंग में कुछ खराबी नहीं है। उसके बाद अब हम चेक करेंगे यहाँ से यहाँ के वाइंडिंग में, तो एक यहाँ से यहाँ के वाइंडिंग मतलब कि ये भी सही है। उसके बाद गाइज अब हम चेक करेंगे यहाँ से यहाँ, जो यहाँ से लेकर इस वाले वाइंडिंग डायरेक्ट, तो ये भी देखिए यह भी हमारा सही है। उसके बाद ये हो गया हमारा इस साइड का और दूसरे साइड में हम चेक करेंगे यहाँ पे, यह भी आपका कंटिन्यूटी में सही आना चाहिए, बजर बजना चाहिए। मेरा बजर नहीं बज रहा है लेकिन इसमें वैल्यू दिखा रहा है। तो
मेरा बजर ख़राब हो चुका है मल्टीमीटर का। ओके, तो कुछ इस तरह से अगर हम चेक करते हैं तो देखिए इसमें भी हमारा कंटिन्यूटी चेक इस ट्रांसफार्मर का सही है, यह भी ट्रांसफार्मर मतलब कि इस साइड से सही है। और अगर इस साइड से ये देखा जाए तो ये यहाँ पे ऐसा ही दो वायर है, यह भी आउटपुट था क्योंकि यहाँ पे दो वायर्स यहाँ पे आया हुआ है। और देखिए एक मैं अगर यहाँ मेजर करता हूँ और दूसरा यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूटी नहीं चेक हो रहा है क्योंकि ये जो वायर है वाइंडिंग्स यहाँ टूटा हुआ है। और इस टूटे हुए में मैं अगर यहाँ लगाता हूँ तो देखिए यह भी सही बता रहा है। लेकिन अब क्या करना है हमें, अब हमें इसके रेजिस्टेंस को मेजर करना है कि कौन सा इनपुट है ट्रांसफार्मर का और कौन सा आउटपुट है, वह जानने के लिए। तो इनपुट और आउटपुट जानने के लिए हम इसमें रेजिस्टेंस पहले मेजर करेंगे। मैंने इसको 200 ओम में रखा हुआ है और देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना बताता है। ये देखिए कुछ इतना बता रहा है, 3.5, 6 ऐसा कुछ वेरी कर रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से बता रहा है। ओके, और यहाँ से यहाँ पे मेजर करते हैं तो कुछ इतना बता रहा है। ओके, और यहाँ से यहाँ तक मेजर करें तो उसका दुगुना बताना चाहिए, लगभग मतलब 2.8 बता रहा है। ओके, और इस साइड से अगर इसका रेजिस्टेंस हम चेक करें तो गाइज कुछ इस तरह से देख सकते हो, 110 या 12, 143, 54 कुछ इस तरह से, मतलब कि यह बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बता रहा है। मतलब कि हम देख सकते हैं कि ये इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई है, मतलब कि इन दोनों वायर्स में हमारा इनपुट वायर जाएगा, जो पावर सप्लाई का वायर आएगा वो डायरेक्ट इन दोनों में इनपुट जाएगा और ये तीनों वायर से यहाँ से आउटपुट आएगा क्योंकि इन तीनों का रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम है, तो यहाँ से आउटपुट आएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने इसको चेक कर लिया कि कौन सा इनपुट वायर कहाँ पे जाएगा और कौन सा आउटपुट वायर कहाँ से जाएगा। तो इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पावर सप्लाई के वायर को अब सही से कनेक्ट करता हूँ क्योंकि यह भी चूहे ने पूरा नक्शा बिगाड़ दिया है इस होम थिएटर बोर्ड को। तो मैंने इस मेन पावर सप्लाई के वायर को कंटिन्यूटी चेक किया तो यह मेरा सही निकला। और इसमें अब मैं सोल्डिंग करने जा रहा हूँ, कुछ इस तरह से इसमें हमें सोल्डिंग करना है। ये दो वायर्स हैं, दो वायर को हमें एक पावर सप्लाई के वायर में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है और दूसरे को हमें सीरीज से स्विच से कनेक्ट करना है। हाँ, तो इसमें एक वायर मेरा इस स्विच में जुड़ेगा, एक ही वायर को यहाँ पर जोड़ना है और यहाँ से एक आउटपुट वायर आएगा तब ये हमारा स्विच काम करेगा। तो इसमें भी एक दूसरा वायर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये वायर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और अब हमारा यहाँ से दो आउटपुट वायर आ चुका है। अब ये दोनों इनपुट हमारा ट्रांसफार्मर के इनपुट में कनेक्ट होगा। गाइज आप लोगों को स्टेप वाइज मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। और ये जो वायर है इन दोनों को देखना मैं कैसे सोल्डर करूँगा, यहाँ पे किसी तरह से इसमें सोल्डर करके और इसमें मैं ग्लू स्टिक से चिपका दूँगा ताकि सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा ना, क्योंकि अगर यह सेफ नहीं होगा तो फिर बहुत ही शॉक लग सकता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फिर बहुत ही नुकसान होगा। तो इसके एक वायर को, ओ भाई साहब ये तो पूरा ख़राब, ना ना ना। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसके वायर को थोड़ा कवर उखाड़ने के लिए उखाड़ा तो देखिए ये वायर पूरा निकल गया बाहर और कुछ इस तरह से ऐसा ही मैं जोड़ दिया हूँ। और दूसरा वायर को मैं इस साइड कनेक्ट करके पावर सप्लाई दे करके देखता हूँ इसमें लाइट जाता है कि नहीं जाता। तो ये मैं उधर कनेक्ट कर दिया हूँ और इसमें पावर सप्लाई, गैस मैं इसमें पावर सप्लाई का वायर कनेक्ट कर दिया हूँ और स्विच इधर से ऑन है। ओके, स्विच ऑन है और इसके आउटपुट में अब हम चेक करके देखते हैं कि कितना वोल्टेज आता है। तो आउटपुट में ये दो वायर, ये रहा मेरा मल्टीमीटर, ये एसी में रहेगा क्योंकि आउटपुट ट्रांसफार्मर हमेशा एसी वोल्टेज ही देगा। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए ये एक इधर और कुछ इस तरह से देख सकते हो, या ओपन सर्किट में वोल्टेज
कुछ 13 वोल्ट 14 वोल्ट बता रहा है, और इस साइड भी मैं मेजर करूँ तो इस साइड भी उतना ही वोल्ट बता रहा है। मतलब कि यह ट्रांसफार्मर हमारा आउटपुट वोल्टेज दे रहा है, अब इसके आउटपुट वायर्स को हमें इसमें इनपुट कनेक्ट करना है, और वो करने पहले मैं पावर सप्लाई की वायर को ओपन कर देता हूँ। और ये यहाँ से खुल चुका है, और यहाँ पे देखिए इसको मैं सबसे पहले तो सेफ्टी के लिए ध्यान रखता हूँ, मैं इसमें ग्लू चिपका देता हूँ और इसमें टेप चिपका दूंगा सेफ्टी। इसमें एसी वोल्टेज है और 220 वोल्टेज इनपुट इसमें जा रहा है, तो सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखना है हमें इसमें। तो इसके वायर्स को पूरा मैं कवर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, इसके इनपुट और आउटपुट में सप्लाई तो आ रहा है, और कुछ इस तरह से मैं सेफ्टी के लिए इसमें ग्लू स्टिक को चिपका दिया हूँ ताकि यह हमारा उखड़े नहीं। और इसके आउटपुट में भी अब हम वायर्स को कनेक्ट करेंगे, तो ये ब्लैक वाले को मैं 0 वायर में रखता हूँ, और ये वायर हो गया हमारा 12 12 0, और एक ये 12, इसको भी रेड वायर। और इसके इनपुट वायर को हमें एम्पलीफायर बोर्ड में कनेक्ट करना है, तो एम्पलीफायर बोर्ड में कुछ यहाँ पे कनेक्ट करना है गाइस। और जैसे कि देख सकते हो ये एम्पलीफायर बोर्ड, जैसे कि मैंने यह सॉकेट दिखाया कि इसमें कनेक्टेड था, तो उसमें हमें कनेक्ट करना है ये CN नंबर 7 जो है ना, इसमें 3 वायर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसमें हमें कनेक्ट करना है। तो इन तीनों में बीच वाले को 0 को रखना है, और इन दोनों को आप कोई सा भी वायर कनेक्ट कर सकते हो। और कुछ इधर से अगर आप इस एम्पलीफायर बोर्ड में देखते हो, तो यहाँ पे इन तीनों में हमें पावर सप्लाई के वायर को कनेक्ट करना है। तो ब्लैक वायर, रेड वायर एंड रेड वायर, आप कोई सा भी कलर का वायर कनेक्ट कर सकते हो। मैं इसमें अब सॉकेट नहीं लगाने वाला हूँ, तो डायरेक्ट मैं इसमें सोलर कर दूंगा। ये दूसरा और एक तीसरा। ध्यान रखना है आपको कि हमेशा यह सर्किट बोर्ड में से कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होना है, होने देना। यह तीनों वायर पावर सप्लाई का कनेक्ट हो चुका है, और अब हम इसमें नेक्स्ट कनेक्शंस को देखेंगे। और इसमें भी टूटने का डर है, तो इसमें भी ग्लू गन को चिपका देता हूँ, ग्लू स्टिक को। सो फ्रेंड्स, मैं इसमें भी ग्लू स्टिक को चिपका दिया हूँ, और कुछ इस तरह से अब बहुत ही बढ़िया से कैच कर लिया है। और इसमें पावर सप्लाई का वायर तो कनेक्ट कर ही दिया हूँ, और कुछ इस तरह से इसका वायरिंग अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ इस तरह से आप ट्रांसफार्मर के वायर्स को कनेक्ट कर सकते हो, और चूहे का काटा हुआ किस तरह से हम लोगों ने इसका यूज किया, भाई आप लोगों को यह आइडिया कैसा लगा कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। और इसके नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप कुछ दिनों का जरूर वेट करना, कुछ दिनों में मैं वीडियो जरूर बना दूंगा, 3 से 4 दिनों में मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो इसी का अभी पार्ट चल रहा है, तो मैं इसी का वीडियो अभी डालूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आप लोग वेट करना, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।